आदर्श के 250 लाख से अधिक एजेंट और एडवाइजरों पर गबन का आरोप साबित नहीं, सिर्फ परिवार के चहेतों को ही फायदा। या दोस्तों, बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ क्या है पढ़ते हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों रुपए के गबन के मामले में एसओजी की ओर से करीब 45,000 पेज की चार्जशीट पेश की गई, लेकिन इस चार्जशीट में जहां मुकेश मोदी समेत उनके परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है, वहीं एसओजी की ओर से हुई जांच में यह स्पष्ट किया गया है कि उसमें एजेंट और एडवाइज़र पर कोई दोष साबित नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें इस अपराध में शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, एसओजी की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि अब तक हुई जांच में कई एजेंटों और एडवाइज़रों सामने आए, जिनकी ओर से यह भी बताया गया कि थानों में बुलाकर उन्हें धमकाया जा रहा है। इस पर एसओजी महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए साफ किया कि इनके खिलाफ अभी तक कोई दोष साबित नहीं हुआ है, ऐसे में इन्हें थाने बुलाकर परेशान न किया जाए। इसके बाद यदि स्थानीय पुलिस को ऐसा लगता है कि उनके पास सबूत है और उसकी सूचना एसओजी को दें, निवेशकों की नहीं परिवार के सदस्यों की थी। आदर्श सोसाइटी बेटी बेटा और दामाद को भी दिया फायदा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक रहे मुकेश मोदी मोटिवेश स्पीकर के रूप में भी थी, उनकी पहचान बना चुके थे। अपने हर भाषण में यह दावा करते थे कि वह यह निवेशकों को सोसाइटी यह निवेशकों की सोसाइटी है, लेकिन एसओजी की जांच में सामने यह आया कि उनका फ़ायदा निवेशकों को नहीं देकर अपने परिवार को दिया। सोमवार को संस्थापक व अध्यक्ष मुकेश मोदी ने बेटा बेटी व दामाद को 270 करोड़ रुपए वेतन के रूप में बांट दिए, जिसका हिसाब किताब नहीं है। इसके अलावा पत्नी और दामाद को भी 720 करोड़ रुपए का कमीशन बांटा गया। फर्जी सेल कंपनियों के नाम 223 करोड़ रुपए का गबन। एसओजी की ओर से हुई जांच के सामने आया कि सोसाइटी के एएमडी व चेयरमैन ने फर्जी सेल कंपनियों के माध्यम से 223 करोड़ रुपए से अधिक गबन किया। इसके अलावा पिछले दिनों में भुगतान दिखाया, यह राशि उन्हें दे दी गई। इसके अलावा एसओजी के हाथ अपने आयाम पृष्ठियों के 225 करोड़ रुपए का स्टॉक भी मिला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो खर्च इसमें बताए गए थे उनका भौतिक सत्यापन किया गया, जो सोसाइटी को मिला ही नहीं। आगे खबर है कि एसओजी की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ। थाने में एजेंट और एडवाइज़रों को बुलाकर धमकाया जा रहा है, इसलिए प्रदेश के सभी एसपी को पत्र भेजकर उन्हें परेशान नहीं करने की के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। थाना के में दर्ज एफआईआर एसओजी को होगी ट्रांसफ़र। थानों में दर्ज एफआईआर एसओजी को होगी ट्रांसफ़र। एसओजी महानिदेशक ने सभी एसपी व थानों को आदेश जारी किए हैं कि थानों में दर्ज सोसाइटियों के खिलाफ मामले में एसओजी को ट्रांसफ़र किए जाएं। इसके तहत सिरोही ज़िले में 12 मामले एसओजी को जाएंगे, साथ ही एक सहायक अनुसंधान अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। अब तक की हुई जांच में एजेंट एडवाइज़र और कर्मचारियों पर आरोप साबित नहीं हुए, इसलिए उन्हें इस पर गबन के मामले से बाहर रखा गया। अधिकांश को सैलरी मिलती थी, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए। दोस्तों, इसमें ख़ास बात यह है कि एडवाइज़रों और कर्मचारियों पर कोई आरोप साबित नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने ना भूलें, साथ के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे ज्वाइन बटन को भी आप ज्वाइन
बटन को भी दबाएं ताकि आपको अच्छी जानकारी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।